और व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर कंप्लीट वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग खेल रहे हैं फिर से माइनक्राफ्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक कपबोर्ड आप कैसे बना सकते हो जिसके अंदर आप आपके सारे के सारे आर्मर रख सकते हो, वो बनाना मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले आपको जो जो सामान चाहिए या फिर जो जो मटेरियल चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एक डिस्पेंसर चाहिए, एक डार्क ओक के ट्रैपडोर चाहिए, आर्मर स्टैंड, ग्रास ब्लॉक, ओक वुडन प्लैंक्स, उसके बाद में डार्क ओक डोर, प्रेशर प्लेट और एक रेडस्टोन टॉर्च। और आपको जो भी आर्मर चाहिए, यहाँ पे मैंने तीन प्रकार के आर्मर लिए हैं, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मैंने तीनों प्रकार के आर्मर लिए हैं, तो आप आर्मर स्टैंड पे लगा सकती है। तो चलिए सबसे पहले आपको नीचे का जो बेस है उसके अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे वुड लगा देनी है। आप कौन सी भी वुड लगा सकते हैं। तो मैं फॉर डेकोरेशन यहाँ पे मैं ये वाली वुड लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने वुडन के प्लैंक्स लगा दिए। 3x4 का आपको कुछ इस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने 3x4 का ऐसे 3 और ऐसे 4 का प्लेटफॉर्म बना लिया है। तो उसके बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पे इन मिडल में आपको एक आर्मर स्टैंड प्लेस करना है, और उसके बाद में यहाँ पे भी आपको एक आर्मर स्टैंड प्लेस कर देना है। फिर उसके बाद में आपको सबसे पहले इसे तोड़ना है, यहाँ पे एक डिस्पेंसर, फिर से क्राउच करके यहाँ पे एक डिस्पेंसर, उसके ऊपर एक डिस्पेंसर, और यहाँ पे जो ये ग्रास ब्लॉक है इसको थोड़ा सा हाइट में लेके जाना है, और यहाँ पे क्राउच करके एक ग्रास ब्लॉक लगा देना है। या फिर टेम्प्ररी ब्लॉक के लिए मैंने ग्रास ब्लॉक लिया है, आप कौन सा भी ब्लॉक ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डिस्पेंसर डाल दिया ऊपर से भी, और आप इस ब्लॉक को तोड़ भी सकते हैं। तो इसके बाद में सबसे पहले आपको इन दोनों को आर्मर पहनाना है, वो मैं बाद में पहना देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्राउच करके ट्रैपडोर्स लगा देने हैं, 3, 1, 2 और यहाँ पे 3। यहाँ पे 3 ट्रैपडोर लग गए, इसको आपको क्लोज कर देना है सारे के सारे। यहाँ पे ये वाला गलती से टूट गया, यहाँ पे मैं और एक लगा देता हूँ यहाँ पे, और सेम उस साइड से भी आपको करना है, यहाँ पे एक, उसके ऊपर एक और उसके ऊपर एक। तो यहाँ पे इन सब को ऑफ कर देना है। ए बकरी कहाँ से आ गई, ए बाघ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर की ओर से थोड़े से प्लैंक्स लगा देना है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे प्लैंक्स लगा देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपने जो जो आर्मर स्टैंड प्लेस किए थे वो करना है, और इस साइड में घूम के आपको जो डोर लगाना है वो डोर लगा देना है आपको, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगा देना है। तो अब इसके बाद में आपको यहाँ पे जो आर्मर स्टैंड है उसको लगा देना है, और उसके ऊपर आपको जो जो पुराने आपके जो कपड़े हैं या फिर उसको आर्मर कह सकते हैं आप, वो सारे सारे आर्मर आपको ले लेने हैं। तो यहाँ पे मैं लेदर के और चेन के आर्मर ले रहा हूँ, यहाँ पे पैंट भी लेदर की और चेन की ले लूँगा यहाँ पे, या और यहाँ पे बूट्स भी मैं लेदर के और चेन की ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इन सब को, ये जो पुराने जो आर्मर है वो मैं इसको पहना देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो है इसे पहना दूँगा, इसे, फिर इसे, और अभी ये आर्मर का कुछ काम नहीं है, बस आपको शो के लिए। आप इसे डाई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये वाला आर्मर लेता हूँ, और डोर का भी अभी कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से चेन का आर्मर भी लगा देता हूँ। यस, यहाँ पे चेन का आर्मर भी लग चुका है। तो अभी आपको इसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में आपको ये सारे के सारे ड्रॉपर में लाइन वाइज आपको आर्मर रख देने हैं, समझिए मुझे। ये वाला
नेदराइट का आर्मर यहाँ पे रख देना है सारा का सारा, यहाँ पे ऊपर की इसके अंदर लैग मतलब जो आपका शर्ट है वो रख देना है, और नीचे इसके मैं पैंट रख के ऊपर इसके इसमें हेलमेट रख देना है, आपका भी रख सकती हूँ। और उसके बाद में आपको सारे सारे को जो वुड है उससे कवर कर देना है। यहाँ पे मैं वुड से पूरा पूरा जो ये मेरा कबोर्ड है इसे कवर कर देता हूँ यहाँ पे तो नीचे थोड़ा सा यहाँ से, और यहाँ पे ऊपर भी तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आप पीछे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसी भी यहाँ पे थोड़ा फार डेकोरेशन करने के लिए मैं पीछे की ओर से भी वॉल बना देता हूँ। आप चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है। तो अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको एक रेडस्टोन टॉर्च लगा देनी है। यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको लगानी है एक रेडस्टोन टॉर्च, और आपको एक स्टोन की सेम टू सेम दिखने वाली प्रेशर प्लेट लेनी है यहाँ पे, और क्राउच करके जो ये है इसे लगा देना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको चेक कर देना है आर्मर है कि नहीं। इसके अंदर तो आर्मर नहीं है, इसके अंदर लेगीज है, और ये जो है ये मैं यहाँ पर रख देता हूँ, रखा नहीं था मैंने। तो गाइज आपका जो क्या कहते हैं जो कबोर्ड है आपका बन चुका है। तो सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले ये बारिश बंद होने दो। यहाँ पे मैं इसको क्लियर वेदर कर देता हूँ, यहाँ पे वेदर को क्लियर कर दिया मैंने। तो गाइस तो चलिए मैं आपको ये प्रोसेस काम कैसे करता हूँ वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले उद्घाटन करेंगे इस बकरी से, येलो 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 ओके। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको समझिए आपको नेदराइट का आर्मर आपने इस डिस्पेंस पर में रखा है, आप इस साइड से भी वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने इस साइड से प्रोसेस की है। तो सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे आपको चले जाना है, और देखिए यहाँ पे गलती से रेडस्टोन टॉर्च जो है वो टूट गई थी मेरे से, मैं फिर से लगा देता हूँ। हाँ यहाँ पे आपका जो आर्मर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस ऐसे आप एक नया कपबोर्ड बना सकते हैं आपके सर्वाइवल सीरीज में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक ट्राई करके देखते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में हम ट्राई करेंगे कि हम विलेजर को आर्मर कैसे पहना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पर नए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए।